तो चलो भाई, बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको फाइनल टीम मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पे। चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सा मैच कवर करने वाले हैं। तो कुवैत T20 एलाइट कप कवर करेंगे, 10:30 बजे रात में है। और मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा खेलो विजन 11 पे। इस पे मैं कोई आपको रेफरल नहीं दूंगा, लिंक विंक कुछ नहीं दूंगा। मैं बस सिखाऊंगा कि खेलना क्यों है और कैसे। देखो, आप कोई भी कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 का ज्वाइन करो, ठीक है। उसका मार्जिन देख लेना और विजन 11 का मार्जिन देख लेना, दोनों में आपको बहुत डिफरेंस नज़र आ जाएगा। और दूसरी बात, जैसे आप ड्रीम 11 पे बना सकते हो 10x1 की टीम, लेकिन कभी कभी आपको मन हो कि नहीं, मैं 7x4 की टीम बनाऊंगा, तो इस पे दोनों ही अवेलेबल है। तो 10x1 का बनाना, मैं ज़्यादातर 10x1 का ही टीम दूंगा। तो खेलना कैसे है, अगर आप पहला मैच 10 रुपये का लगा रहे हो तो अगला मैच 20 रुपये का लगाओ। कब? जब जीतोगे तब। अगर 10 रुपये का जीत गए तो 20 रुपये का लगाओ, 20 का जीत गए तो 40 लगाओ। अगर हार गए, ठीक है, अगर 10 लगाए हार गए तो अगला मैच 15 का लगाओ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस ये देखना कि तुम्हारी जो लागत है 10 रुपये, उसके साथ कुछ प्रॉफिट आ जाए। ज़्यादा प्रॉफिट लालच मत करना। इस तरह से बढ़ाते जाओगे तो 5-6 मैच मान लो कि हार भी गए, तो 7वां मैच भी अगर जीत जाओगे तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। चलो अब बात करते हैं मैच की। तो मैच में इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, ज्वाइन कर लोगे तो फाइनल टीम मिल जाएगी आपको। ये रहा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया है क्योंकि पहले उस पर थे हम लोग टेलीग्राम पे, तो उस पर बहुत सारे फॉलोवर्स थे। यहाँ भी हो सकता है आप लोग बहुत प्यार दोगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। तो देखो, इस मैच में हम लोग बात करेंगे कौन से 8 प्लेयर हैं जो कि टॉप के हैं, उन्हें लेना टीम में ज़रूरी है, बाकी के 3 प्लेयर हम लोग ऑप्शन में रखेंगे। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये मैच हो रहा है सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड पे। ज़्यादा स्कोर नहीं बनता, 150 के आसपास स्कोर बनता है, जो कि T10 वाले 10 ओवर में भी बना देते हैं, ठीक है, तो 20 ओवर में। और ये देख लो, बैट्समैन बहुत सारे हैं दोनों ही टीम में, तीन तीन बैट्समैन हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन कोई एक ही रन मारेगा, एक ही मारता है हमेशा, देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट में। कोई एक बल्लेबाज चलता है, वही सेंचुरी मार दे एक तरफ से, अगली तरफ से कोई 50 मार दे। तो देखो, जो KS की टीम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इसका कीपर, बहुत अच्छा खेलता है भाई, बैटिंग बहुत बढ़िया करता है। अब यहाँ से देखो, इसके बैट्समैन हैं बढ़िया बढ़िया इसके पास भी। अंजलिस अगर खेलता ना तो भाई कैप्टन ले लेता मैं इसे, फिलहाल कहीं और बिजी हैं ये। फैजल ठीक है और संद्रवा भी ठीक है, ठीक है, तो बैट्समैन को नहीं छोड़ना भाई, बैट्समैन आपको पॉइंट बढ़िया दे देगा, और कोई एक ही बॉलर विकेट लेके देगा बहुत सारे। तो यही आपको गेम देखना है। देखो, जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल हम लोग वही सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतने प्लेयर इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, निमेश को भी अगर छोड़ दो तो भी चलेगा। तो देखो, ये 5 प्लेयर KS टीम के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो, अगला जो है दूसरी टीम, उसमें कौन से प्लेयर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो, एक विघ्नेश्वर को मुझे अच्छा लगता है ये प्लेयर, ठीक है, ये मैं लेके चलूँगा इम्पोर्टेंट में। यहाँ से एन राजेंद्र, मेरा फेवरेट प्लेयर, इसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और यहाँ से जी नहीं, बैटिंग सेक्शन में तो कोई पसंद नहीं है मुझे, यहाँ से बस एक सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गए आपके टॉप के 8 प्लेयर, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि KS की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। अब देखो, डिपेंड करेगा कौन पहले बॉलिंग करेगा। मान लो कि अगर AEC की टीम पहले बॉलिंग करती है तो इसके एक बॉलर बढ़ा लेंगे हम, ठीक है, राज को ले लो, और स्पिनर का विकेट मिलने का चांस होता है, मैं इसीलिए राज को कह रहा हूँ, ठीक है। एस चंद्रा बहुत ही ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं, करुणानिधि ये फास्टर हैं, तो देखो जो पिच है वैसे तो फास्टर के लिए अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है कि विकेट ज़्यादातर स्पिनर्स को मिल रहा है। अब यहाँ देखो,
इसके बैटिंग सेक्शन में कोई खास है नहीं। रेजी का क्या है, दो तीन मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, तो और ये कभी कभार बॉलिंग कराते हैं एक दो ओवर, ठीक है। तो अगर इसकी बैटिंग आएगी तो रेजी को लेंगे, बॉलिंग आएगी तो राज को लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी टीम में। अगर दूसरी टीम की बॉलिंग आई तो हम यहाँ से लेंगे बुलबुल को और निमेश को, ठीक है। इसके साथ प्लेयर ले लेंगे, ठीक है। और अगर बैटिंग आई तो यहाँ से बी खान इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ तो ऑलराउंडर में कोई खेल नहीं रहा। अब देखो टीम कैसी बनेगी, फिलहाल के लिए डेमो टीम बता दे रहा हूँ। डेमो टीम के लिए यहीं से बॉलिंग सेक्शन में ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अगर रिस्क लेना चाहो स्मॉल लीग टीम में तो सुमोन बहुत अच्छा बॉलिंग कराता है, ठीक है। रिस्क के साथ जाओगे तो सुमोन को ले चलना और बुलबुल को ले चलना और यहाँ से निमेश, ठीक है। 10/1 की टीम बनाओगे तो ये टीम अच्छी लगेगी बनने में। इद्रिस अच्छे कैप्टन हैं, नो डाउट। लेकिन अगर बॉलिंग पहले आई केएस टीम की तो मैं वाई पटेल को भी कैप्टनसी दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इद्रिस और ये संद्रवा भाई, इन दोनों के साथ मैं कैप्टन भी सी जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिलहाल टीम ऐसी दिख रही है। एन राजेंद्र बहुत अच्छे कैप्टनसी का ऑप्शन है। विघ्नेश्वरन भी बहुत अच्छे कैप्टनसी का ऑप्शन है। फिलहाल के लिए ये टीम सेव कर लो, जो भी अपडेट होगा व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, लिंक ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए बाय।